आपके सुंदर कांड पाठ के ऐलान पर भड़के हुए सी। नमस्कार, मैं श्रेया दुबे और आप देख रहे अब तक की सबसे बड़ी खबर। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले आम आदमी पार्टी हर महीने दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर सुंदरकांड पाठ का ऐलान कर चुकी है। आपके इस फैसले पर AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सीधा निशाना साधा है। जी हां, ओवैसी ने कहा कि आपने दिल्ली की हर विधानसभा क्षेत्र में हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड पाठ का आयोजन करने का फैसला लिया है। 22 जनवरी के उद्घाटन की वजह से ये निर्णय लिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि इन्होंने बिल्कस बानो के मसले पर चुप्पी साध रखी थी, तब कहा था कि वो सिर्फ शिक्षा और सेहत जैसे मसलों पर ही बात करना पसंद करते हैं। आपके सुंदरकांड पाठ के आयोजन के ऐलान के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल पूछा है कि क्या सुंदरकांड पाठ शिक्षा या सेहत है। उन्होंने आगे कहा कि असल बात तो यही है कि इन्हें इंसाफ से परहेज है और संत के एजेंडा का पूरा साथ दे रहे हैं। ओवैसी ने आप पर निशाना साधते हुए कहा, हम बाबरी की बात भी ना करें, आप न्याय मोहब्बत फलाना का बजाज बजाते रहे और साथ में हिंदुत्व को मजबूत करते रहो। बता दें, एक दिन पहले ही 15 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा ऐलान किया था। आपने बयान जारी कर कहा था कि वह दिल्ली में सभी विधानसभाओं में सुंदरकांड का आयोजन करेगी। पार्टी के बयान के मुताबिक विधायक हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड का आयोजन करेंगे। सुंदरकांड के साथ साथ हनुमान चालीसा का भी आयोजन करवाया जाएगा। बता दें, 22 जनवरी को होने जा रही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश में सियासत भी जारी है। कांग्रेस और आप सहित विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे का राजनीतिक फायदा उठाने की पूरी कोशिश कर रही है। माना जा रहा है कि हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड और हनुमान चालीसा कराने का फैसला आम आदमी पार्टी ने राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी से पिछड़ने के डर से लिया।